हम ना हलाल फूड फेस्टिवल जा रहे थे और जिस रास्ते से हम गुजर रहे थे ना, तो मुझे यहाँ से ना पाकिस्तान याद आ गया। इस तरह के खड्डे पाकिस्तान में पड़े होते हैं। हलाल फूड फेस्टिवल। हाँ जी। हम कैसे हैं तुम्हारे बबल? बबल? अब आते नहीं हो? हम जा रहे हैं जी हलाल फूड फेस्टिवल। अभी आपको जाके वहाँ का व्यू भी दिखाते हैं। मैंने इतनी ज़्यादा बबल डाली मुँह में ताकि हमारा सफ़र अच्छा गुजरे, पैदल चलने वाला। बच्चों को भी बबल खिला रही हूँ। जयपा आपको यहाँ कितना? आपको यहाँ से ना ऐसे गाँव वाली फीलिंग आएगी, कनाडा वाली नहीं आएगी, ऊपर से आएगी कनाडा वाली फीलिंग। हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। ये सैंडविचेस के ना बिल्कुल हमारे घर के वॉकिंग डिस्टेंस में है। मैं यहाँ से आते हुए ना ये सोच रही थी कि ये जो स्पीकर्स की आवाज़ आ रही है इतनी ऊंची ऊंची, आसपास रहने वाला पता नहीं क्या बन जाता है। म्यूजिक की आवाज़ ना दूर तक आ रही है, इतना तेज म्यूजिक चल रहा है। हम लोग काफ़ी अर्ली आ गए हैं और अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए हुए। हमने सोचा थोड़ा टाइम से चले जाएंगे, कुछ खाना वाना खा लेंगे, जब तक बाकी का फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो ज़ाहिर है रश हो जाएगा, फिर हमें स्पेस नहीं मिलेगी कहीं खाना वाना खाने के लिए या स्टॉल्स पे जाने के लिए, इसीलिए हम थोड़ा अर्ली आ गए। ये जो इस किस्म के स्टॉल या मेला वगैरह होते हैं ना, ये बड़े ही मज़े के होते हैं, लाइक बड़ी फन एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ आकर। कॉन्टेस्ट का पूछना है शायद उसने कि मैंगो वाला कॉन्टेस्ट कब हो रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नमाज़ का टाइम है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। भैया आपको ओपन कर देना। क्या किया था ऐसे भैया को? किया था वाओ, थैंक यू सो मच, यू डिड अ बिग फेवर। इसके ना ये बॉक्सेस संभाल लेना, दोबारा बबल्स खत्म हो जाएंगे ना तो हम बबल्स नहीं ले लेंगे। निकल आए, चलो एक साइड पे खड़े रहो दोनों, फिर करो। माशाल्लाह से इतने सारे फूड स्टॉल्स थे ना, बस मुझे इनकी एक बात अच्छी नहीं लगती, ये जो फूड स्टॉल होते हैं ना यहाँ का खाना उतना मज़े का नहीं होता जितना जब आप रेस्टोरेंट पर जाकर खाते हैं वहाँ मज़े का होता है। हालांकि यहाँ पर इनका खाना मज़े का होना चाहिए, क्योंकि जो लोग इनके रेस्टोरेंट्स वगैरह पर नहीं गए होते, यहाँ से अगर वो इनके सैम्पल्स टेस्ट कर लेते हैं या फिर अगर इनसे बाय करके खाते हैं और उन्हें अच्छा लगेगा तो डेफ़िनेटली वो इनके स्टोर्स पर जाएंगे। स्पेस कम होने की वजह से या जो भी रीज़न है, ये लोग अपना सारा सामान नहीं लेकर आते, सारे सोर्सेज सारी वैरायटी नहीं लेकर आते हैं, जिसकी वजह से लोग सारी चीज़ें टेस्ट नहीं कर सकते हैं या फिर उनका उतना अच्छा टेस्ट नहीं बन रहा होता। जैसे हमने चाट पापड़ी ली थी उसका भी टेस्ट कोई इतना अच्छा नहीं था, हमने शवारमा लिया उसका भी टेस्ट इतना अच्छा नहीं था, इवन कि उसमें सोर्सेज वगैरह भी सारे पूरे नहीं थे। तो ये मुझे बस इनका इतना अच्छा नहीं लगता कि ये चीज़ें कम्प्लीट नहीं लेकर आते हैं। इस फेस्टिवल का नाम हलाल फूड फेस्टिवल है और ये यहाँ मिसिसागा सेलिब्रेशन स्क्वायर पे होता है। 2 डेज़ का ये फेस्टिवल होता है और इसी तरह से यहाँ पर फूड स्टॉल होते हैं और बच्चों के इस तरह से इन्होंने कुछ जंपिंग कैसल रखे हुए होते हैं, शोज़ वगैरह हो रहे होते हैं, सिंगर्स आते हैं,
कंपटीशंस वगैरह हो रहे होते हैं, मतलब काफ़ी सारी वैरायटी चल रही होती है यहाँ पर। हम लोगों ने खैर यहाँ से शवारमा रैप ले लिए थे और यहाँ पर कुछ बच्चे साइकिल्स पे कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट्स और इस किस्म के स्नैक्स वगैरह भी सेल कर रहे थे। वो अपनी साइकिल पे अपना शॉपिंग बैग लेकर आपके पास आकर पूछ रहे होते हैं, डू यू नीड एनीथिंग, डू यू नीड कोल्ड ड्रिंक। अभी यहाँ पर कुछ कंपटीशन होने थे, जैसे मैंगो ईटिंग का, जूस का, चाट का, डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन थे। जो जिसमें विन हो रहा था उसको कुछ कूपन मिल रहे थे या जो भी उनका गिफ्ट वगैरह था वो मिल रहा था। हुज़ैफ़ा तो पहले से इतना एक्साइटेड था कि मैंने किसी न किसी चीज़ में जाके पार्टिसिपेट करना है। वो बिल्कुल जाके ग्रिल के साथ ही लगा खड़ा हुआ था कि मुझे जैसे ही आवाज़ आएगी तो मैं चला जाऊँगा। उसने काफ़ी टाइम अपना हैंड रेज किया लेकिन बड़ी ही मुश्किल से वो बेचारा किसी एक गेम में जाकर सेलेक्ट हुआ जिसमें जूस पीना था। यहाँ पर ये एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया तो मैंने सोचा मैं इसकी जरा थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। Whoever drinks the most in 60 seconds will get the prize for Rubicon. Right? Am I right, sir? Okay. So one. Two. Don't touch it. I'm still looking. I'm watching. And I get five. Okay. Please throw them in. Three and go. Three, two, and go. No, wait. तालियां वाली, यहाँ को शोर हंगामा, बच्चे जीतने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे। Okay, एक सेकंड। I think बच्चे बहुत हो गए। I think we need some adults, some parents, some moms and dads. So right there, sir, right there. Yep, come on stage, sir. We need some right there in the pink. Yes, come on stage, ma'am. Make some noise if you want to come on stage. Let's hear you cheer. On anybody? No, nobody. Okay. सरकार नाम मेरे ही नाम से है। तो शेफ कॉसस औताक बैंकेट हॉल जो कि मिसिसागा में कैनेडा और ब्रिटानिया पे है और विद अ कैपेसिटी ऑफ 400 पीपल, तो आप लोग आइए और अपनी तकरीबात कीजिए हमारे साथ। सालगिरह, खुशी, जो भी है आपकी शादी, वो हमारे साथ मनाइए। और इसके अलावा आज हमने यहाँ स्टॉल सेटअप किया है जिसमें हम आपको प्योर कराची का जायका दे रहे हैं, जिसमें कराची का ठेले वाला बंद कबाब शामिल है, जिसमें कराची की देगी। बहुत बड़ी गुड इवनिंग आमिर भाई, आप हमने फैसला किया था कि आप बस मेले ठेले खत्म और बैंक्वेट हॉल है, बस फाइन नहीं है मेला में ठेला ही जो करे वो छुए आसमान।
और छिलके छिलके भी साथ साथ खाए जा रहे हैं। और ये पांच आए थे, एक जज बना दिया मैंने। आ जाओ भैया, एक मैंने जज बना दिया। अच्छा भाई, कमान क्विकली। अच्छा, इनाम क्या मिलेगा भाई? ताजा कप और नूडल का फुल बॉक्स। ना करो। अच्छा अच्छा भाई, रेडी यूसुफ, टाइमर। ये दो देनी ना, एक भी नहीं दो भी नहीं। जेब सही है, चीटिंग दुनिया हो रही। उस्मान कैसी है ड्रिंक? No, we're done. उस्मान को another one? ताजा कप और नूडल का फुल कार्टन मिल रहा है। तालियों में एंजॉय करेगा कप और नूडल। He did it once. Yeah, it looked like it. So, beta, question, Usman. Are you usually competitive? No, I'm not. You're not competitive? So, what made you come and do this? I just wanted to win something. Just wanted to win something. You are competitive. Congratulations, you did. It's great. You guys did really good. Yes. Congratulations. यहाँ ये बच्चों को मिसिसागा पैंथर्स की शर्ट्स दे रहे थे, तो मेरे बच्चों ने भी ले ली। अभी यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है सेकंड डे। वो बच्चों की शर्ट्स वाला जो था वो एंड था वहाँ, उसके बाद फिर मैं घर चली गई थी। और अभी सेकंड डे में देखें कितना ज़्यादा रश था। सेकंड डे में मुझे लग रहा था मैं अर्ली आ गई हूँ, लेकिन मैं जब आई तब इतना रश था। और उसके बाद रात तक इतना ज़्यादा रश हो गया था क्योंकि वो कैफ़ी खलील ने आना था, उसकी वजह से सब लोग पहुँचे हुए थे कैफ़ी खलील का सॉन्ग सुनने के लिए। मैं और यूसुफ आए थे, बच्चे दूसरे दोनों सीख थे, उनका मैं फिर सेकेंड डे नहीं लेकर आई। और यहाँ पर इन्होंने एक बैटमैन को भी बुलाया हुआ था, आई थिंक ये बैटमैन ही होता है। सब लोग इसके साथ इतनी पिक्चर्स ले रहे थे, मैंने तो सिर्फ ये वीडियो रिकॉर्ड की।
रहमत की बरसात आती है दिलो शाह या रसूल अल्लाह तेरी महब्बत की में एक से ये ज़मीन वस्मा आबाद है रहमत की बरसात आती है दिलो शाह या रसूल अल्लाह ايها المختار आप बताएंगे बाकी की चीजें मैं तो वही बताऊंगा जो बताऊंगा वहां पर बड़ी शानदार परफॉर्मेंस है सिंपली ताबिश का शो होने जा रहा है अब ताबिश के साथ पाकिस्तान में वी हैड द ऑनर टू होस्ट द मेयर And Tabish also met him there. Aapki bahut saari taaliyon mein, an amazing gentleman, mentor to a lot of thousands of Canadians, a great guy, a good friend. Please put your hands together for Mayor Patrick Brown. Patrick, thank you so much. You will be in. 9, 8, 7, 5, 4, 3. मार्केटिंग में गई है आप जाने से पहले ऐसा क्या कहना चाहेंगे लोगों को याद रहे 30 जून तक मैं सब ये कहना चाहूंगा आप सबको कि आमिर शमसी बहुत कम हलाल काम है जो करवाते हैं एक आज करवाया है इन्होंने और एक 30 जून को है Please buy your tickets at ticketmaster.ca and be there, inshallah. Baat karenge. We'll talk about Pakistan and whatever is happening there. I'll talk about very relatable things. Aap Pakistan ki shaadiyan yaad karenge. Board pe bas ek hi nazar peete the jo ki wo paate yaad magar कैफी के दरमियान ये केक है तो जब आप मेरे साथ जोर से इस केक को तोड़ेंगे इसमें कैफी निकलेगा कैफी पीछे से आएगा आर यू गाइस रेडी से 1, 2, 2 आई एम गोना गो
first 3, 2, 1 now. So now first, 3, 2, 1 Fun activity. खैरियत से हैं, उसका था, एक मैं अकेला था।
पूरे पाकिस्तान का नाम तुमने उस दिन मशहूर किया है, बहुत बहुत शुक्रिया।